वहीं यूपी निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच का आज फैसला आ गया है। वहीं इस पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ओबीसी के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। कोर्ट का जो फैसला है निकाय चुनाव को लेकर, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय न्यायालय का जो भी आदेश है हम उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन इस संबंध में अधिकृत जो प्रतिक्रिया है वो अभी एक उच्च स्तरीय बैठक करने के बाद आप सबको देने का काम किया जाएगा। लेकिन यह जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को जो चुनावी आरक्षण मिलता रहा है उसको देने की पक्षधर है, और उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ ही कराएंगे। उसमें हो सकता है थोड़ा देरी हो, लेकिन हम विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद जो भी निर्णय होगा उससे आपको अवगत कराएंगे। एक आखिरी सवाल, विपक्ष जो है खासतौर पर समाजवादी पार्टी निशाने साध रही है, इसे कैसे? समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी है, वो पिछड़ा वर्ग का कभी हित नहीं चाहती है, वो जाति विशेष के पोषक हैं, तुष्टिकरण करने वाले हैं, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के समर्थक लोग हैं। वो पिछड़े वर्ग की बात ना करें तो अच्छा है, अन्यथा 2012 से 17 के बीच का जो उनका पूरा काला कारनामा है पिछड़ा विरोधी, उसे जनता के सामने रखना पड़ेगा। मुझे वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।